हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपके अपने चैनल डीके राइडर में स्वागत है। दोस्तों, आज है हमारे पास 2022 मॉडल टीवीएस रेडियन BS6 बाइक और इसको आप फ्रंट से देख रहे हैं। मैं आपको इसमें एक छोटा सा वॉक अराउंड दे रहा हूं और यहां से आप वॉक अराउंड देख लीजिए और बात कर लेंगे हम इस बाइक के स्पेक्स, फीचर, प्राइस, माइलेज और इसके सभी चीज़ों में बात करेंगे। लेकिन इस बाइक में क्या बदलाव किया गया है 2022 में, इसको जानेंगे। तो यहाँ से आप ये बाइक कुछ इस प्रकार दिखती है। बात करेंगे इसके फ्रंट से, तो यहाँ पर फ्रंट सेम रखा गया है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं वही हेडलैम्प दिया गया, वही वाइजर, यहाँ पर 3 TVS का लोगो मिल जा रहा है, बैजिंग है जो। यहाँ से आप फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जा रहा है जो हाइलोजन बल्ब है। यहाँ से आप नंबर प्लेट, यहाँ से आपको DRL मिलती है। सस्पेंशन भी आपको वही मिल जा रहे हैं, फेंडर भी सब कुछ सेम मिलता है। यहाँ से आपको जो इसका सस्पेंशन है, फ्रंट में टेलीस्कोपिंग मिल जाता है, रिफ्लेक्टर मिलते हैं। यहाँ से आपको टायर मिल जाते हैं, TVS के टायर मिलते हैं। और ये इनका जो साइज, ये आप देख सकते हैं, 275/18 का टायर मिल जाता है और ये TVS के टायर हैं। तो फ्रंट में 275/18 का टायर मिलता है। अलॉय व्हील आपको ब्लैक मिल जाते हैं। फ्रंट में फ्रंट और रियर दोनों ही ड्रम ब्रेक में मिलते हैं। फ्रंट में आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक और रियर में 110 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। और यहाँ से ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको SBT टेक्नोलॉजी मिलती है। यहाँ से आप दो वायर देख सकते हैं जो ब्रेक के लिए होती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका। और यहाँ पर क्रोम का यूज किया गया है, जैसे कि आप पहले भी देखते हैं कि यहाँ से क्रोम का यूज किया गया है। और हेडलाइट काफ़ी बड़ी हेडलैम्प मिल जाती है और काफ़ी ब्राइट भी है। तो बात कर लेते हैं हम इसके हैंडल बार की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो लेफ्ट हैंडल बार है, यहाँ से आपको ये क्लच लीवर, पास की स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न की स्विच मिलती है। यहाँ से इसके राइट हैंडल बार में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ के लिए और सेल्फ स्टार्ट की स्विच मिल जाती है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं इसकी की है। और इसका मीटर कंट्रोल जो है वो बिल्कुल ही बेसिक सब मिलता है, जैसे कि आपको कार में मिल जाता है। यहाँ से आपको टी लोगो मिल जाता है जो कि हॉर्स है। यहाँ से स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ से आपको फ्यूल के लिए मीटर मिल जाता है, तो इसे हम ऑन कर लेते हैं। तो मीटर कुछ इस प्रकार शो करता है। यहाँ से आपको न्यूट्रल की लाइट, मल फंक्शन लाइट, स्टैंड की लाइट मिल जाती है। यहाँ से आपको पावर और यहाँ पर इंटेलिगो जैसे फीचर मिल जाते हैं। जब भी आप ट्रैफिक में होंगे, यहाँ से आपकी बाइक जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और जैसे ही आप उसको थ्रॉटल लेंगे ये बाइक ऑन हो जाएगी। यहाँ से आपको 3D में TVS मिल जा रहा है और यहाँ का जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है। आपको इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन मिल जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ETFI रेडियन की ब्रांडिंग मिल जा रही है। यहाँ से आपको TVS लिखा हुआ इंजन पे मिल जा रहा है। बात कर लेते हैं इसके गियर बॉक्स की, तो यहाँ पर आपको 4 गियर बॉक्स के साथ में ये आती है, 4 स्पीड गियर बॉक्स में मिलती है। यहाँ से आप स्टैंड डाउन करने पर ये कट ऑफ मिल जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं लगा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बाइक ऑन है और मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं किया है। यहाँ से जैसे ही हम इसका स्टैंड लगाएंगे ये बाइक बंद हो जाएगी। तो मैं पहले इसका आपको साउंड सुना दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप इसका साउंड सुन, ये एग्जॉस्ट साउंड है और यहाँ से आप इंजन साउंड सुन सकते हैं। इंजन साउंड है, इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अभी हम चलते हैं इसके इंजन कट ऑफ की तरफ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये साइड स्टैंड है और यहाँ से बाइक हमारी ऑन है। अब हम इसे स्टैंड को अभी जैसे ही गिराएंगे बाइक हमारी बंद हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं बाइक हमारी बंद हो गई और यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं स्टैंड को। बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको 5 टाइम एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं और जो और यहाँ से आपको जो चेन कवर है ये आपको प्लास्टिक में मिल जाता है। यहाँ से साड़ी गार्ड और फीमेल फुटरेस्ट भी मिलता है। बात करते हैं सीट की, तो सीट काफ़ी
लंबी मिल जाती है और कंफर्टेबल भी मिलती है। रियर में ग्रैब रेल भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा ग्रैब रेल है और इसमें रबर पैडिंग के साथ में ये ग्रैब रेल मिल जाते हैं। और ये 2022 मॉडल ही मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर 21/1/2022 मॉडल है और रियर टेल सेक्शन कुछ इस प्रकार दिख रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ से आप रियर में देख सकते हैं, यहाँ पर 110 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है और यहाँ से अभी इसमें सेल्फ और किक दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम लगा हुआ है, दोनों तरफ इसमें ATFI की ब्रांडिंग मिल जाती है, रेडियॉल जो कि 3D में लिखा हुआ है, और यहाँ से आपको टैंक में भी TVS की ब्रांडिंग मिल जा रही है। बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसमें आपको 109.7 cc का 4-स्ट्रोक ड्यूरालाइफ सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड V6 इंजन मिल जाता है और ये ATFI इंजन है। बात करते हैं इसके पावर की, तो यहाँ पर आपको 8.8 की पावर 7,350 RPM पर और इसका जो मैक्स टॉर्क है ये 8.7 Nm मिलता है और ये 4,500 RPM पर जनरेट कर लेता है। ये बाइक आपको सेल्फ और किक दोनों ही ऑप्शन पे मिलती है। तो ये बाइक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं इसके आपको फ्रंट से इसका लुक दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं DRL है, DRL भी काफ़ी अच्छा खूबसूरत लग रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बाइक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बात करते हैं इसके अंतिम प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है आपको 81,500 रुपये में कृष्णा TVS ऑटो सेल्स फतेहपुर उत्तर प्रदेश में आपको ये मिल जाएगी, यहाँ से आप किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।